नमस्कार सबको। चारों तरफ कोरोना की वजह से सब लोग बड़े निराश हैं और इस माहौल में एक छोटी सी आशा की किरण दिखाई दे रही है। कुछ देशों में प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया विदेशों में और उसके नतीजे अच्छे आए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोरोना से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब इसका कोई वैक्सीन बन जाएगा। वैक्सीन लगाने से, जैसे दूसरे कई सारे वायरस की जो बीमारियां होती हैं, अगर उसका वैक्सीन आप लगा लें तो वैक्सीन लगाने से वो बीमारी होती नहीं है। तो इससे मुक्ति तो तभी मिलेगी जब वैक्सीन मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त हमारे सामने दो चैलेंज हैं। एक चैलेंज तो ये कि किस तरह से हम कोरोना को फैलने से रोकें, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलता है, ताकि इसको फैलने से रोका जाए। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो वो सब लोग चाहते हैं कि ये वो व्यक्ति अस्पताल से ठीक होके अपने घर वापस चला जाए, उसकी मौत ना हो। और ये देखा गया कि अगर उसमें कोई और बीमारी हो, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम है, सांस की कोई बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, तो फिर उसके जीवन के ऊपर संकट आ जाता है और अक्सर कई केसेस में उनकी मौत हो जाती है। ऐसे केसेस में जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं, उसमें अगर प्लाज्मा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए तो उनके देखने में आया है कि उनके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा कुछ देशों में देखने को मिला। दिल्ली के हमारे कुछ डॉक्टर्स ने इसके ऊपर काफ़ी अध्ययन किया और इसका ट्रायल करने के लिए तैयारी शुरू की है। अच्छी बात यह है कि परसों हमने केंद्र सरकार से इसका ट्रायल करने के लिए परमिशन मांगी थी और परसों रात को हमें इसकी परमिशन केंद्र सरकार से मिल गई है। और अब अगले 3-4 दिन के अंदर हमारे डॉक्टर्स इसका ट्रायल करेंगे और ट्रायल करके देखेंगे कि ये कितना सफल होता है। अगर ये इसमें सफलता मिलती है तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात होगी, क्योंकि फिर हम सीरियस पेशेंट्स को की ज़िंदगी बचा पाएंगे। मौत होने से लोगों को एक तो मौत तो ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, हम सब लोग कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी ये अगर सक्सेसफुल होता है, सफल होता है, तो फिर लोगों के चांसेस, बच जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी मैं साफ साफ कर दूं कि ये केवल ट्रायल स्टेज पे है और ये सफल होगा कि नहीं होगा ये अगले हमें 4-5 दिन के अंदर डॉक्टर्स जब ट्रायल करके देखेंगे तो पता चलेगा। ये टेक्नोलॉजी क्या है? इस टेक्नोलॉजी में जिस व्यक्ति को कोरोना एक बारी हो जाता है, वो जब ठीक होता है तो उसके शरीर में, उसके खून में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज उसको ठीक होने में मदद करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कोरोना से ठीक हो गया, उससे वो अपना रक्तदान करता है। उससे जैसे हम ब्लड डोनेशन करते हैं, ऐसे ही ठीक हुए कोरोना के व्यक्ति से रक्त लिया जाता है, एक बोतल खून देता है वो, और उसमें से, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और वो प्लाज्मा को एनरिच किया जाता है और उस एनरिच्ड प्लाज्मा को किसी दूसरे पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसके पेशेंट में डाल, दूसरे पेशेंट में जो भी बीमार है उसमें डाल दिया जाता है। तो उसके नए पेशेंट में वो प्लाज्मा के एंटीबॉडीज चले जाते हैं और उसके अंदर ठीक होने वाले एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो इस तरह से इसको ये टेक्नोलॉजी काम करती है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये ट्रायल सक्सेसफुल हो। अगर सक्सेसफुल होता है तो इससे एक उम्मीद बनेगी, और भी कुछ राज्य, जैसे मुझे पता चला है, केरला, महाराष्ट्र वगैरह इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके प्रयास इस बारे में सफल हों। दिल्ली में लगभग 57 के करीब हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। जैसे मैं रोज़ बताता हूँ, कंटेनमेंट जोन वो हैं जहाँ पे हमें
तीन या तीन से ज़्यादा, अगर किसी कॉलोनी के अंदर हमें या किसी गली के अंदर तीन या तीन से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिलते हैं, तो उसको हम चारों तरफ से कॉलोनी को सील कर देते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों को बाहर नहीं आने देते और बाहर के लोगों को अंदर नहीं जाने देते, ताकि बीमारी बाहर ना फैले। और तो वहाँ पे फिर हम ऑपरेशन शील्ड चालू करते हैं, जिसके अंदर उस एरिया का सैनिटाइजेशन करते हैं उस एरिया। तो ऐसे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर क्या क्या किया जाता है, इस बारे में अभी कई सारी गलत फहमियाँ हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और अक्सर मैसेज ये आता है कि सर हमारे एरिया को कंटेनमेंट जोन तो बना दिया, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी सैंपल लेने नहीं आया हमारा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कंटेनमेंट जोन में जैसे कंटेनमेंट जोन लागू किया जाता है, वहाँ पे सबसे पहला काम किया जाता है आपके लिए एसेंशियल सर्विसेज की इंतजाम किया जाता है। तो आपके एरिया को सील कर दिया, और वहाँ पे आपके जो सील किया बाउंड्री के ऊपर आपके लिए सब्जी वाले का, दवाई वाले का, इसका सबका इंतज़ाम किया जाता है। पुलिस वाले व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोग लिखते हैं कि हमें ये वाला सामान चाहिए, वो वाला सामान आपको मुहैया कराया जाता है। तो एक पहला काम किया जाता है एसेंशियल सर्विसेज का इंतज़ाम किया जाता है। एक काम किया जाता है सैनिटाइजेशन किया जाता है पूरे एरिया का। जो मशीनें मैंने बताया था, उन मशीनों के ज़रिए उस एरिया को पूरे को सैनिटाइज किया जाता है। फिर डोर टू डोर सर्वे किया जाता है। सर्वे सबका होता है, हर एक के घर में कोई ना कोई दिल्ली सरकार की टीम जाती है और उनसे पूछती है कि आपके घर में कोई बीमार तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, किसी को सांस की शिकायत तो नहीं है। तो जो जो कोरोना के सिम्टम्स हैं वो पूछते हैं कि आपको कोई ये सिम्टम्स तो नहीं है। ये सर्वे 100% लोगों का होता है। अगर किसी कंटेनमेंट जोन में अभी तक नहीं हुआ तो हो सकता है 2-4 दिन में हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, टीम्स थोड़ी सी कई बार कम पड़ जाती है SDM के पास, तो वो 100% का होगा। जो जो लोग सिम्टम्स मिलते हैं जिन लोगों के कोरोना के, उन लोगों का केवल सैंपल लिया जाता है। तो लोग ये उम्मीद ना करें कि किसी भी, परसों मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक एरिया के कंटेनमेंट जोन के लोग कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ तो एक भी आदमी का सैंपल नहीं लिया गया। तो जब उनके पास गए तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ सर्वे करने तो आए थे, सैंपल लेने नहीं आए। तो सैंपल सबका नहीं लिया जाता है। और इसके अच्छे असर पड़ रहे हैं, क्योंकि दिलशाद गार्डन का हमने देखा कि किस तरह से वो 15-20 दिन हो गए और वहाँ पे कंटेनमेंट जोन में अब एक भी केस नहीं आया। वसुंधरा एनक्लेव में 15 दिन के करीब हो गए, इसको भी कंटेनमेंट जोन को बने हुए, अब एक भी केस नहीं आया। खिचड़ीपुर की 3 गलियों को लॉक किया था हम लोगों ने, सील किया था, कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहाँ से भी एक भी केस नहीं आया। तो ये अभी तक एक्सपेरिमेंट, अभी हम लोगों का प्रयास सफल रहा है। आप लोगों को दिक्कत तो बहुत आती है, लेकिन सबके सामूहिक प्रयास से ही, सामूहिक उससे ही हम लोग सफल हो पाएंगे। कल यमुना के तट के ऊपर कई सारे गरीब लोग, माइग्रेंट लोग इकट्ठे हो गए थे, और जैसे ही हमारी नज़र में लाया गया उसको तुरंत हम लोगों ने उनके खाने का और उनके रहने का इंतज़ाम किया। सब लोगों को उसको अलग अलग स्कूल की बिल्डिंग्स में उनके रहने का इंतज़ाम किया और उनके खाने का भी हम लोगों ने इंतज़ाम किया है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है, कि हमने सरकार की तरफ से खाने का बहुत इंतज़ाम किया हुआ है। कल भी 9 लाख लोगों ने लंच किया है और 9 लाख लोगों ने डिनर किया है, पका हुआ खाना। और कोई 9 लाख की बजाय 15 लाख भी लोग आ जाएंगे ना, 20 लाख भी लोग आ जाएंगे, उनका भी हम इंतज़ाम कर लेंगे, तो खाने की कोई कमी नहीं है। उसी तरह से मैं बार बार बताता हूँ कि 71 लाख लोगों को हमने राशन दे दिया जिनके पास राशन कार्ड थे, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको अभी राशन देने का सिलसिला जारी है। मेरी सभी मीडिया के साथियों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और मेरी सभी आम नागरिकों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कि इतना अरेंजमेंट करने के बावजूद भी जो बहुत गरीब लोग हैं उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि सरकार ने क्या अरेंजमेंट कर रखा है, उन लोगों को पता नहीं चल पाता कि सरकार ने कहाँ अरेंजमेंट कर रखा है, मैं कहाँ जाऊँ,
अगर कोई भूखा है तो वो कहाँ जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कहीं भी कोई, जैसे कल आप लोगों ने हमें यमुना के बारे में बताया, हमने तुरंत एक्शन लिया, ऐसे ही मैं सोशल मीडिया के ऊपर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, जैसे कहीं से सोशल मीडिया में पता चलता है, कोई बताता है कि यहाँ पे ये आदमी, इस ये एक परिवार भूखा है, यहाँ पे एक आदमी भूखा है, यहाँ पे ये, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, उसी वक्त उसको खाना पहुँचाने का काम किया जाता है, उसी वक्त उसका घर का इंतजाम, उसको रहने का इंतजाम किया जाता है। आप हमें बताइए कहाँ कौन भूखा है, हम उस तक खाना पहुँचाएँगे, ये जिम्मेदारी हमारी है। या अगर हमने जहाँ जहाँ हमारे सेंटर चल रहे हैं खाने के, उन सब जगहों की लिस्ट हमने पूरे नक्शे के ऊपर डाल दी है, अगर आपके लिए संभव हो आप उस व्यक्ति को खाने वाली जगह ले जाइए, आप उसको खाना खिला दीजिए, बहुत पुण्य का काम है। इस वक्त सबसे सबकी जिम्मेदारी बनती है, ना कोई अकेली सरकार काम कर सकती है, ना कोई अकेली कोई एजेंसी सफल हो सकती है, सब लोग मिलके काम करेंगे तभी हम लोग सफल होंगे। तो मेरी आप सब लोगों से, मीडिया में एक जगह मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि इन लोगों ने एक वेबसाइट चालू कर दी है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करें, तो वेबसाइट पे कौन से गरीब लोग आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 15 लाख लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया राशन कार्ड, वो जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उन्होंने खाना लेने के लिए, राशन लेने के लिए 15 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है। मैं समझता हूँ कि सब गरीब लोगों को इसके बारे में नहीं पता चलेगा, लेकिन हमारी जिम्मेदारी, हम सबको बताएं ना, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जिन लोगों को वेबसाइट आती है वो उनको, उनकी मदद कर रहे हैं, जिनको वेबसाइट नहीं आती है, लेकिन एक सिस्टम तो बनाना था ना। अगर जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनके लिए ना कोई आधार कार्ड है ना कोई किसी तरह का कार्ड, नहीं उनके लिए खाने का भी इंतजाम किया हुआ है, 9 लाख लोगों ने कल खाना खाया है, रोज हम 10-10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, तो सबको मिलजुल के प्रयास करना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा, हम उन तक खाना पहुंचाएंगे। और एक बहुत सारे, कई सारे लास्ट वीक ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में कई सारे कोरोना के मरीज दिल्ली में आए थे, अब वो ठीक होने लगे हैं। आज मुझे पता चला आज भी कई मरीजों को छुट्टी मिलेगी अस्पताल से, और आने वाले 3-4 दिन के अंदर कई सारे मरीजों को छुट्टी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ सब लोग अपने अपने घर में खुशी खुशी जाएं और अपने दिल्ली के लोग कोरोना से बचे रहें जितना हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।